नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 फरवरी गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में इनकम टैक्स द्वारा बड़ी कार्रवाई करने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स द्वारा क्वार्टर्स पत्थर व्यापारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा बाबा और तिरुपति व्यापारिक संगठनों के यहां भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई जयपुर, देवली, संवर्धा और केकड़ी में चल रही है। विभाग द्वारा मार्बल एरिया, लक्ष्मी नारायण विहार, राजहंस कॉलोनी, पृथ्वीराज नगर सहित कई अन्य जगहों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई अलसुबह जयपुर व अजमेर से आई आयकर विभाग की टीमों द्वारा की गई है। जालौर जिले के करड़ा थाना क्षेत्र में रीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां दिनेश नामक युवक से 7,85,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित ने 1 माह पहले 3 जनवरी को थाने में परिवाद दिया था। यह परिवार 1 माह तक हेड कांस्टेबल के पास ही पड़ा रहा। अब जिला पुलिस अधीक्षक ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि परीक्षा में डमी कैंडिडेट नहीं बैठाया गया था, अजमेर जिले में परीक्षा केंद्र आया था, जहां उसकी अनुपस्थिति लगी थी। पीड़ित का आरोप है कि 2,85,000 रुपये फोन पे से ट्रांसफर किए गए थे, वहीं 5 लाख की राशि जयपुर में दी गई थी। जोधपुर शहर में क्रिप्टो करेंसी के लिए 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को किडनैप कर लिया। करेंसी नहीं दी तो 5 लाख रुपए मांगे, जब रुपए भी नहीं मिले तो उसे जोधपुर छोड़कर फरार हो गए। युवक थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों दोस्तों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हीरेन शर्मा फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसने अपने दोस्तों से मजाक की थी कि उसके पास क्रिप्टो करेंसी है। इस पर उसके दोस्त आयुष व अपने अन्य 2 दोस्तों से मिलकर उसका किडनैप कर लिया। उससे घर फोन करवाया कि वह जैसलमेर जा रहा है। इसके बाद उसे फलौदी होते हुए जैसलमेर ले गए। रास्ते में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जैसलमेर के पास एक खेत में बने कमरे में बंधक बनाकर रखा और उससे क्रिप्टो करेंसी मांगी। जब उसने मना किया तो 5 लाख रुपए मांगे, वह भी नहीं मिलने पर उसे जोधपुर लाकर छोड़ दिया। चूरू जिले के बिदासर थाना क्षेत्र में प्रवचन सुनने गई 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा के साथ 2 युवकों ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि छात्रा प्रवचन सुनने गई थी, तभी वहां 2 युवकों ने उसे चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुष्कर्म के एक आरोपी को राउंडअप कर लिया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के पात्र है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है। इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने 5 अलग अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अपने पिता की आय पर निर्भर एक विवाहित बेटी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने की पात्र है। एकल न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की थी। मामले में 5 याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरे कृष्ण भौमिक ने इस फैसले को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जीत करार दिया। जयपुर जिले के चोमू थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना पर पुलिस ने छापे की कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ओशियन ब्लू होटल में चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापे की कार्रवाई की। पुलिस को देखकर युवक युवती दीवार कूदकर फरार हो गए। पुलिस के आते ही स्पा सेंटर पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि शहर में कई जगह अवैध स्पा सेंटर चल रहे हैं, जहां स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। नागौर जिले के डिडवाना थाना क्षेत्र में लाडनू फाटक पुलिया पर व्यापारियों से लूट होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 3 कपड़ा व्यापारी भीलवाड़ा से सुजानगढ़ जा रहे थे। प्राथमिक जानकारी में 14 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। पुलिया पर पीछा कर कार में सवार लुटेरे व्यापारियों का बैग ले भागे। बदमाशों ने व्यापारियों की गाड़ी के आगे पीछे के दोनों शीशे तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपने प्रकाशन एक्सीडेंटल हेल्थ एंड सुसाइड इन इंडिया में आत्महत्या के कारण होने वाली मौतों की जानकारी संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 तक उपलब्ध है। यह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया। राय ने राज्यसभा में बताया कि 2018 और 2020 के बीच 25,000 से ज़्यादा भारतीयों ने बेरोजगारी या कर्ज के कारण आत्महत्या की। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या से 9,140 लोग और समय अवधि के दौरान दिव्यालियापन या कर्ज के कारण से 16,091 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि मानसिक दबाव कम करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बारां जिले के शाबा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक कार पलटने से उसमें सवार 3 जनों की मौत हो गई जबकि 9 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शाबाद तथा कैलवाड़ा चिकित्सालय पहुंचाया गया। बाद में 3 घायलों की हालत गंभीर होने से उन्हें 12 रेफर कर दिया गया। कार सवार लोग कोटा से झांसी जा रहे थे। यह दुर्घटना अचानक सड़क पर आए जानवर को बचाने के दौरान हुई। मृतक व घायल कोटा निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार में लगभग 1 दर्जन लोग कोटा से झांसी शिवपुरी जा रहे थे। मामोनी के पास हाईवे पर अचानक गाय आ जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में बबलू व उसकी पुत्री मोनिका की मृत्यु हो गई। वहीं कार चालक महेंद्र ने उपचार के दौरान मौत हो गई। यह सभी झांसी में होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। राजसमंद जिले के कैलवा थाना क्षेत्र में बामन टुकड़ा गांव में अज्ञात चोरों ने एक शादी के घर को निशाना बनाते हुए दिन दिहाड़े लाखों के गहने और नकदी चोरी कर फरार हो गए। सूचना के बाद विवाह समारोह में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोर घर से 4 लाख रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।